पिछले क्लास में स्टार्ट किया था वाई डी एस सी। वाई डी एस सी के लिए क्या क्या कंडीशंस था? वाई डी एस सी के लिए पहली चीज बताया कि सोसेज मस्ट बी कोहेरेंट, सोसेज मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट की मीनिंग क्या हो गई? कोहेरेंट की मीनिंग क्या हो गई? कोई भी ऐसी दो सोस जिनका फेज का डिफरेंस, जिनके फेज का डिफरेंस कांस्टेंट रहे विद टाइम, टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, तो उसी को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। और कोहेरेंट सोर्स तभी आप बना पाएंगे जब एक ही सोर्स से दो सोर्स हम जनरेट कर सकें, उसी मेथड से बना पाएंगे। उसका बहुत सारा बनाने का मेथड भी बताया था, रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से, बाय यूजिंग लेंस, बाय यूजिंग हाँ प्रिज्म, इन सारे तरीके से बनाते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। क्योंकि जब तक कोहेरेंट सोर्स नहीं बनेगा तब तक ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नहीं बनेगा, ठीक है? ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस तभी बनेंगे जब हमारा कोहेरेंट सोर्स होगा। तो वाई डी एस सी का जो रिजल्ट था वो रिजल्ट ये आया था, पाथ की डिफरेंस आई थी डी साइन थीटा, यही आई थी ना? और डी साइन थीटा को हम लोग डी टेन थीटा भी लिख सकते हैं, और टेन थीटा को हम लोग वाई बाई डी भी लिख सकते हैं। तो ये पाथ का डिफरेंस आया था, पाथ का डिफरेंस इस तरीके से लिख सकते हैं। मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन आया था? कंडीशन फॉर मैक्सिमा, हमें पता है कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या होती है? डेल्टा एक्स एन लैम्डा। हाँ, डेल्टा एक्स हो जाती है एन लेमडा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें पता है डी वाई ओवर कैपिटल डी। तो यहाँ से पता चल जाती है एंथ मैक्सिमा की पोजीशन, एंथ मैक्सिमा की पोजीशन क्या हो जाती है? एन लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, यानी इसको बीटा हम लोगों ने बोला था, इसको हम लोगों ने बोला था बीटा। यानी जो पोजीशन होगी मैक्सिमा की, एंथ मैक्सिमा की जो पोजीशन होगी वो बीटा के टर्म में होगी, बीटा के टर्म में होगी, यानी बीटा, टू बीटा, थ्री बीटा, फोर बीटा, इतने डिस्टेंसेज पे मैक्सिमा रहेगा। इसी तरीके से अगर मिनिमा की बात करें, मिनिमा की बात करता हूँ, कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, तो मिनिमा के लिए क्या कंडीशन हो जाएगा? पाथ की डिफरेंस हो जाएगी, ऑड मल्टीपल होती है नहीं लेमडा बाई टू की, हाँ फाइव लेमडा, बहुत सारा रिजल्ट भी देखा था। और इसी को हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी। तो जो एंथ मिनिमा की पोजीशन आएगी, एंथ मिनिमा की पोजीशन, वो देखो क्या होगी? वो होगी टू एन माइनस वन लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इस तरीके से। इसको हम लोग पता है बीटा लिखेंगे। तो जो पोजीशन एंथ मिनिमा की होती है, एंथ मिनिमा की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ एंथ मिनिमा, एंथ मिनिमा की पोजीशन क्या आती है? देखो, एक आएगा बीटा बाय टू प्लस माइनस में ऊपर और नीचे, दूसरा आएगा प्लस माइनस हाँ थ्री बीटा बाय टू, ठीक फिर आएगा प्लस माइनस फाइव बीटा बाय टू। तो या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस पॉइंट फाइव बीटा, प्लस माइनस वन पॉइंट फाइव बीटा, प्लस माइनस टू पॉइंट फाइव बीटा। तो इतने डिस्टेंसेज पे हमारा मिनिमा होगा, इतने डिस्टेंसेज पे मिनिमा रहेगा,
ठीक है, जैसे इस फॉर्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है, उसको हम पहले हटाते हैं। कंफ्यूजन क्या हो सकता है, जैसे देखो एंथ मिनिमा का बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अगर बोलूं कि पोजीशन बताओ फर्स्ट मिनिमा का, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए एन की वैल्यू 1 रख देंगे और ये आ जाएगा 2n-1 बीटा बाय 2। एन की वैल्यू 1 रख दो तो 2 × 1 - 1 बीटा बाय 2, तो ये बीटा बाय 2 आ गई कि नहीं आ गई, ये फर्स्ट मिनिमा है। और अगर फर्स्ट मैक्सिमा बोलेगा तो क्या करोगे, उसके लिए भी पता है फॉर्मूला। तो एंथ मैक्सिमा और एंथ मिनिमा का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखने, एंथ मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या आया, वो तो एन बीटा आया नहीं, और एंथ मिनिमा का फॉर्मूला क्या आया, एंथ मिनिमा का फॉर्मूला आया ऑड मल्टीपल ऑफ बीटा बाई 2, माइनस है बीच में, ये ध्यान रखना माइनस। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि गिवन है लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी, ये सारी चीजें गिवन है और आपको क्या बताना है, अरे बर्थडे, फाइंड सेपरेशन बिटवीन 17th मैक्सिमा एंड एच मिनिमा। आई अरे हैप्पी हजारों साल जी। फाइंड सेपरेशन बिटवीन 17th मैक्सिमा एंड 8th मिनिमा। अब इसको निकाल के बताओ कितना होगा, ये क्वेश्चन है। फिर बीटा होगा, क्या हो जाएगी बताओ, विनय आ गए हो क्या, विनय तो अभी आए, लैम्डा डी बाय डी होगा, क्या हो जाएगा बताओ, कौन से मैक्सिमा का बात कर रहा है, देखो 17th मैक्सिमा और 8th मिनिमा, तो 17th मैक्सिमा का पोजीशन क्या होगा बताओ, मान लो ये स्क्रीन है और यहाँ कहीं 17th मैक्सिमा बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है मैक्सिमा 17th मैक्सिमा और यहाँ पे कहीं बन रहा है मिनिमा, तो इस ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, ये पूरा डिस्टेंस निकाल के इसको घटा देंगे, मैक्सिमा का पोजीशन निकाल के घटा देंगे, तो जो डिस्टेंस आ जाएगी क्या आएगी, डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस देखो 17th मैक्सिमा का क्या होगा, 17th मैक्सिमा का पोजीशन क्या होगा, तो 17th मैक्सिमा का पोजीशन होगा 17 लैम्डा या 17 बीटा लिखते हैं हम लोग मैक्सिमा का, इसी बीटा को लिखते हैं लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और अगर एथ मिनिमा की बात कर रहा तो एथ मिनिमा का पोजीशन क्या है मिडिल पॉइंट से, तो 8 ऑड नंबर में चलता है उसमें 2 × 8 - 1 बीटा बाय 2 ऐसे चलेगा, 16 - 1 = 15 15/2 बीटा, बीटा हो गया लैम्डा डी बाय डी, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, सेपरेशन बिटवीन 17th मैक्सिमा एंड 8th मिनिमा कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 17 - 15/2 × बीटा लैम्डा डी बाय डी
और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 19 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 19/2 ये कितनी हो जाएगी, 9.5 लैम्डा डी बाय डी, ये आंसर हो जाएगी। हाँ। तो बस इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन देखो, ये YDSC का एक सेटअप है, ठीक है, YDSC की एक सेटअप है, और YDSC की सेटअप में लेमडा ऐसा है, यहाँ पे ना ये जो सोर्स हमने यूज किया, ये ना दो वेव जनरेट करता है, दो अलग अलग कलर का वेव जनरेट करता है, एक तो रेड जनरेट किया और दूसरा मान लो व्हाइट भी जनरेट किया, ऐसे दो अलग वेवलेंथ, लेमडा 1 लेमडा 2 ऐसे जनरेट करता है। मान लो ये हो गया लेमडा 1 और ये हो गया लेमडा 2। अब स्क्रीन पे आएगा तो देखो क्या होगा ना, जो बीटा होती है लेमडा डी बाई डी होती है, तो बीटा तो लेमडा पे डिपेंड करता है, तो लेमडा जिसका कम होगा ना उसका बीटा कम होगा, समझे कि नहीं? जैसे मान लो अगर लेमडा छोटा है लेमडा तो इसका मतलब क्या होगा, लेमडा 1 छोटा है यानी रेड वाला, तो लेमडा 1 बोला हूं, मान लो लेमडा 1 छोटा है, लेमडा 1 अगर लेस वैल्यू का, इसका मतलब है ना कि रेड वाला जो होगा ना बहुत स्मॉलर गैप पे बनेगा, ऐसे स्मॉलर गैप पे बनता जाएगा, ऐसे बनेगा। और मैं व्हाइट कलर ना लेके दूसरा कलर दिखाता हूँ, व्हाइट कलर से पता नहीं चलेगा, ये मैं ले रहा हूँ, कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, हाँ सर ब्लू कलर ले लिया। अब ब्लू कलर का भी तो ऐसा फ्रिंज बनेगा, लेकिन ब्लू कलर को लेमडा ज्यादा ले रहा हूं, तो लेमडा ज्यादा लेंगे तो बीटा भी ज्यादा होगा, बीटा का मतलब गैप ज्यादा होगा, मान लो एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, फिर एक यहाँ बना, फिर एक यहाँ बना, फिर एक ऐसे बनेगा, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो ऐसा संभव है, ऐसा संभव है, एक तो देखो बीच वाला तो मैच कर ही रहा, ऐसा संभव है कि इसका रेड वाले का 15वां और ब्लू वाले का कुछ भी 7वां 7th ये दोनों एक ही जगह बने, ऐसा संभव है नहीं? हाँ सर। ऐसा संभव है कि नहीं है? क्योंकि रेड वाले का गैप कम है तो ज्यादा बनेगा, और ब्लू वाले का गैप ज्यादा है तो कम नंबर बनेगा, तो ऐसा संभव है ना कि इसका एक नंबर इसके साथ मैच कर जाए, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन मैं आपको लिख करके बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो ये, अ सोर्स इन YDSE जेनरेटिंग टू वेवलेंथ्स लेमडा 1 एंड लेमडा 2, लेमडा 1 एंड लेमडा 2, इफ nth मैक्सिमा ऑफ वेव 1 कॉन्साइड्स विद mth मैक्सिमा ऑफ वेव 2, देन फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ n एंड m, n और m का मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा,
तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? क्या कह रहा है देखो, nth मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट वेव वही बन रहा है, क्वांसाइट का मतलब क्या है, वही बन रहा है जहां पे mth मैक्सिमा ऑफ सेकेंड वेव बन रहा है। इसका मतलब y दोनों का सेम है, y nth मैक्सिमा का और y mth मैक्सिमा का सेम जगह बन रहा है, सेम ही है, सेम डिस्टेंस पे बन रहा है। तो हमें पता है कि mth मैक्सिमा बोल रहा है तो mth मैक्सिमा का पोजीशन क्या हो, nth मैक्सिमा का पोजीशन होता है n लैम्डा 1 कैपिटल D बाय स्मॉल D, यही तो लिखेंगे। फिर दूसरे वाले का क्या लिखेंगे, m लैम्डा 2 कैपिटल D बाय स्मॉल D, होगी कि नहीं होगी? और ये दोनों कट जाएगा। हाँ सर। तो रेशियो क्या आ जाएगा, देखो रेशियो आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा n ओवर m का लेमडा 2 बाय लेमडा 1, ऐसे आ जाएगा। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में गिवन हो, क्वेश्चन में दिया रहेगा लेमडा 1 लेमडा 2, जैसे मान लो इफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेमडा 1 400 नैनोमीटर है और लेमडा 2 800 नैनोमीटर है, तो बताओ n और m का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो लेमडा 2 क्या रख दो 800, और लेमडा 1 क्या है 400, तो कैंसिल आउट होके रेशियो क्या बनेगा 2:1 का बन जाएगा क्या? हाँ सर, रेशियो बन जाएगी 2:1 की। तो जब हमें पता है कि रेशियो बन गई है 2:1 की, n ओवर m हो गई 2:1, तो 2:1 तो बहुत रेशियो बन सकता है, जैसे 4:2 को भी तो बोल सकते हैं 2:1, 6:3 को भी तो बोल सकते हैं, 8:4 को भी बोल, बहुत सारा हो सकता है। मिनिमम क्या होगा n का, n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा बताओ, और m का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो n का मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है 2 और m का 1, तो यही हमारा आंसर हो गया, समझे कि नहीं? तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, बन जाएगा। मैक्सिमा मैक्सिमा ही कोइंसाइड करे ऐसा जरूरी नहीं, किसी का मैक्सिमा किसी के मिनिमा से भी कोइंसाइड कर सकता है, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप बताना, क्वेश्चन में गिवन है कि सोर्स ना दो वेव जनरेट करता है जिसका लेमडा 1 दिया हुआ है, लेमडा 1 दिया हुआ है कितना, मान लो 160 नैनोमीटर दिया हुआ है, विजिबल रीजन में देता हूँ, ये तो अल्ट्रा वायलेट में चला गया, मान लो ये दिया हूँ 320 नैनोमीटर, ये लेमडा 1 दे दिया, और दूसरा लेमडा 2 दिया हूँ 960 नैनोमीटर, ऐसे दिया हुआ, और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है nth मैक्सिमा ऑफ वेव 1 एग्जैक्टली फॉर्म्ड एट mth मिनिमा ऑफ वेव 2, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n एंड m, बता सकते हो कि नहीं, सॉल्व करो, सेम ही क्वेश्चन है, एक का मैक्सिमा लिया है और दूसरे का मिनिमा लिया है, तो फॉर्मूला सावधानी से रखेंगे क्योंकि मिनिमा और मैक्सिमा का फॉर्मूला अलग है। nth मैक्सिमा बोल रहा है तो क्या लिखोगे, मैक्सिमा के लिए लिखते हैं लेमडा d बाई डी,
लैम्डा वन की बात हो रही है। फिर दूसरा लेंगे एम्थ मिनिमा, मिनिमा के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, 2m माइनस वन इंटू लैम्डा डी बाय 2d, यही तो होती है मिनिमा का, सही है। अब ये कैंसल आउट हो गई, कैंसल आउट हो गई। अब क्या करोगे, n बाय m, क्या n बाय m का वैल्यू निकालना है, n बाय m की वैल्यू, n और m की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो n ओवर 2m माइनस 1 का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, ये आता है, ये आ जाता है। तो लैम्डा 2 और लैम्डा 1 रख दो, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 क्या आएगा बताओ, तो लैम्डा 2 है यहाँ पे, इसका देखो 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो डायरेक्ट मैं लिख दूं 3:1 का रेशियो है, ऐसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रहता है। तो अब देखो क्या होगा, n ओवर 2m माइनस 1 आ गया 3:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो n इक्वल्स टू 6m माइनस 3, ये आता है। तो बता सकते हो इस ये या इसमें n और m की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सिंपली इसको कर दो ऐसे n इक्वल्स टू 3 और 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो m का वैल्यू 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर, तो n का वैल्यू मिनिमम 3 हो गया और m का मिनिमम वैल्यू 1 हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सर, एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जो फॉर्मूला हम लिखते हैं ना वो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए लिखते हैं, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ वाई डी एस सी फोर वाइट लाइट, वाइट लाइट के लिए वाई डी एस सी में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा आपको बताना है। आपको पता है ना वाइट लाइट क्या होती है, वाइट लाइट में एक कलर तो होता नहीं है, 7 कलर्स होते हैं, कितने होते हैं 7 कलर्स होते हैं। तो देखो व्हाइट लाइट में क्या होती है, बीम ग्योर हो जाती है, हाँ सर, सारे कलर प्रेजेंट होते हैं वायलेट से लेके रेड तक। तो आपको बताना है कि अगर मैं वाई डी एस सी का सेटअप बनाऊंगा तो स्क्रीन पे जस्ट यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा कलर होगा, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के सेंटर पे कौन सा कलर बनेगा ये बता। सर ब्लू या फिर वायलेट, वाइट बनेगा भाई, मान लो यहां से सोर्स है और येलो यहां से आया वो भी यहाँ चला आएगा, इसका भी पाथ का डिफरेंस यहाँ पे 0 होगा, फिर रेड आएगा तो रेड भी यहाँ पे आ जाएगा, तो जितने भी कलर हैं सब पहुंच जाएगा ना यहाँ पे। हाँ सर, जितने कलर हैं सब के सब पहुंच जाएंगे यहाँ पे, और आपको पता है सारे कलर को मिक्स कर दो तो कौन सा कलर बनता है, वाइट, व्हाइट बनता है। तो सेंटर ना व्हाइट बनेगा, कैसा बनेगा, व्हाइट बनेगा, सेंटर जो स्क्रीन का रहेगा वो व्हाइट रहेगा, ये व्हाइट कलर्ड रहेगा, व्हाइट कलर। हाँ, सेंटर के जस्ट बाद कौन बनेगा ये बताओ, सेंटर के जस्ट बाद कौन सा कलर होगा, सेंटर के जस्ट कौन सा कलर दिखेगा, वायलेट ही होगा।
तो बीटा बीटा का अगर हम देखें तो बीटा क्या होती है, लेमडा डी बाई डी, तो लेमडा जिसका कम रहेगा उसका बीटा भी कम रहेगा, नहीं? हाँ सर। तो लेमडा किसका कम है, वायलेट का है, वायलेट या ब्लू, ये सब सेपरेट सेपरेट नहीं बनता, एक साथ बनता है, तो ब्लू ज्यादा सेंसेबल होता है आई के लिए, तो ब्लू कलर का बीटा सबसे छोटा होगा, नहीं? हाँ सर। तो इसके बाद किसका स्पॉट बनेगा, किसका मैक्सिमा बनेगा, ब्लू कलर का मैक्सिमा बनेगा, ब्लू कलर का मैक्सिमा बनेगा, ठीक है? और उसके बाद कौन सा कलर होगा, विबग्योर टाइप का बन जाएगा ना। हाँ सर। उसके बाद येलो कलर भी बीच में आ जाएगा और रेड कलर सबसे लास्ट में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। तो इसका बीटा सबसे कम हुआ, इसका थोड़ा सा बीटा ज्यादा है और इसका सबसे ज्यादा बीटा है क्योंकि तो इसका लेमडा ज्यादा है। तो स्क्रीन के नजदीक कौन सा कलर रहेगा, कौन सा फ्रिंज नियरर बनेगा, ब्लू कलर वाला, कौन से कलर वाला नजदीक बनेगा, ब्लू, ब्लू कलर, और सबसे दूर बनेगा रेड वाला, तो कलरफुल बनेगा जो स्क्रीन होगा ना, वो कलरफुल होगा, एक कलर का नहीं होगा, स्क्रीन होगा कलरफुल। स्क्रीन अगर देखोगे तो स्क्रीन ऐसा कुछ दिखेगा, बीच वाला पॉइंट रहेगा व्हाइट, इस व्हाइट टाइप का रहेगा, यहाँ पे व्हाइट रहेगा, फिर यहाँ पे समथिंग नियरर, यहाँ पे ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है, ब्लू कलर का, और फिर इधर समथिंग येलो कलर का, और फिर लास्ट में रेड कलर का, तो इस तरीके का कलरफुल स्क्रीन दिखेगा। ऐसे इधर भी होगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, कलरफुल स्क्रीन बन जाएगा, कलरफुल स्क्रीन बन जाएगा। सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है रेड, उसके बाद कम डिस्टेंस पे है येलो, और सबसे कम डिस्टेंस पे अपना ब्लू कलर है। वायलेट नहीं बोलते हैं क्योंकि ब्लू ज्यादा सेंसिबल होता है। यहाँ तक आ गया समझ में YDSC में? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब YDSC में एक और कंडीशन मैं बताता हूँ, क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को बोलते हैं लॉयड्स मिरर अरेंजमेंट। लॉयड साइंटिस्ट का नाम है, लॉयड्स मिरर अरेंजमेंट। लॉयड्स मिरर अरेंजमेंट क्या होती है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक मिरर होती है और यहाँ पे एक स्क्रीन लगा होता है पूरा लंबा टाइप का, और यहाँ कहीं पे सोर्स होता है, सोर्स, और ये वाला डिस्टेंस समथिंग कुछ गिवन रहेगा, ए यहाँ से डिस्टेंस, बी यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, सी ऐसा कुछ गिवन रहेगा। तो देखो होगा क्या, यहाँ से कोई भी लाइट अगर मिरर पे फॉल करेगी तो वो इधर जाएगा, नहीं स्क्रीन पे, और हमें लगेगा ना कि ये पीछे में एक और सोर्स प्रेजेंट है यहाँ पे एस डैश, और मैथमेटिक्स यूज करो तो ये वाला डिस्टेंस भी ए ही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। ये भी डिस्टेंस ये, तो देखो ना ये कुछ वाई डी एस सी जैसा ही तो लग रहा है, यहाँ पे एस वन है, यहाँ पे एस टू है, और ये वाला डिस्टेंस स्मॉल डी हो गया, स्मॉल डी का वैल्यू टू ए हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल डी बोलते थे, तो कैपिटल डी हो जाएगा बी प्लस सी, नहीं ऐसा ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ सर। हाँ ऐसा ही अपीयर हो रहा है, तो वेवलेंथ जो भी यूज होगा वेवलेंथ यहाँ पे हो जाएगा,
तो अगर इस कंडीशन में बोले कि बताओ बीटा क्या है, तो बीटा क्या लिखोगे? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी का वैल्यू हो गया बी प्लस सी और स्मॉल डी का वैल्यू टू ए, डन। तो इस तरीके से बीटा निकाल सकते हैं इस कंडीशन में भी, नहीं? हाँ सर, इस कंडीशन में भी हम बीटा फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ बनेगा इसमें मैक्सिमा मिनिमा, ये हमें बताना है लॉयड्स अरेंजमेंट में। हमारे पास सेटअप कैसा है, देखो सेटअप ऐसा है, स्क्रीन लगा हुआ है और यहाँ पे सोर्सेज प्रेजेंट। तो देखो होगा क्या, अगर इसका फील्ड देखें तो मैक्सिमम लाइट यहाँ तक आ सकता है, इससे इधर तो नहीं जा सकता ना, फिर तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, तो इंटरफेरेंस कहाँ होगा? इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्स से लाइट आनी चाहिए ना। हाँ सर। तो यहाँ मैक्सिमम लाइट ये वाला एंड पे जाके टकरा सकता है, और यहाँ टकराएगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से यहाँ पे जाएगा, ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। क्या इसके ऊपर बनेगा, इसके ऊपर इधर लाइट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे लाइट होगा या नो लाइट होगा, कौन सा सही है? सर डायरेक्ट भी तो लाइट जा सकता है सोर्स, डायरेक्ट से मतलब नहीं है ना, इंटरफेरेंस हमें कराना है, ऐसे समझो एक लाइट यहाँ से गया, हाँ, और एक लाइट यहाँ से अपीयर हो रहा है, ये वाला, हाँ हाँ, दो सोर्स से आ रहा है। यहाँ पे अगर मान लो कोई पॉइंट लोगे तो यहाँ से तो आ जाएगा, इधर से नहीं ना आएगा, इधर से ऐसे आएगा क्या? नहीं नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है रिफ्लेक्शन के लिए, तो इसके हाँ बाद नो लाइट होगा, इसके बाद कोई लाइट ही नहीं होगा। और ये हाँ मिरर है, तो मिरर के पीछे तो बनेगा नहीं, यहाँ पे यहाँ से लाइट यहाँ आएगा क्या? नहीं सर, नहीं आएगा। तो हमारा जो स्पॉट बनेगा वो कहाँ कहाँ बनेगा? इसी के बीच बनेगा ना फ्रिंज पैटर्न। हाँ सर। हाँ, फ्रिंज का जो पैटर्न होगा वो इसी बी और सी के बीच में बनेगा, न बी के बाहर बनेगा न सी के नीचे बनेगा, समझ में आएगी नहीं? हाँ सर। डायग्रामेटिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे फ्रिंज पैटर्न बनेगा, और देखो इसका लेंथ तो लिमिटेड होगा, तो जो नंबर ऑफ फ्रिंजेज होगा ना वो भी लिमिटेड रहेगा, नहीं? तो लॉयड्स अरेंजमेंट में कौन कौन सा पॉइंट हो गया? पहला कि कैपिटल डी होती है क्या, बी प्लस सी, और डी की वैल्यू होती है टू ए, बीटा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा डी बाई डी, जो कि होती है बी प्लस सी बाई टू ए, ये बीटा की वैल्यू। और जो नंबर ऑफ फ्रिंजेज होते हैं, फ्रिंजेज का मतलब स्पॉट जो बन रहा है ब्राइट डार्क का, उसी फ्रिंजेज या स्पॉट्स को के नंबर जो होंगे ना वो लिमिटेड होंगे। पहले जो वाई डी एस सी था ना उसमें करोड़ों बन जा रहा था, उसकी काउंटिंग नहीं हो पा रही थी, इनफाइनाइट बन रहा था, लेकिन इसमें काउंट कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन इसमें आपको बताना होगा, क्या क्वेश्चन है, जैसे ये मिरर है और ये स्क्रीन है, यहाँ पे सोर्सेज हैं। अब आप बताओ कि यहाँ पे क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा, ये बताना है। जल्दी बता, ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा या कुछ नहीं बनेगा? बनेगा ही नहीं। एट पॉइंट एम ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे या डार्क फ्रिंज बनेगा? इंटरफेरेंस ही नहीं होगा ना वहां पे।
अब देखो यहाँ पे अगर लाइट आएगी, लाइट यहाँ पे आएगी तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, रिफ्लेक्ट होगी क्या? हाँ सर, नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई कुछ ब्राइट डार्क बनेगा ही नहीं, केवल इल्यूमिनेशन होगा, लाइट रहेगा, अंधेरा नहीं रहेगा, लेकिन फ्रिंज नहीं होगा, नो फ्रिंज, नो फ्रिंज फॉर्मेशन, फ्रिंज तो फॉर्म नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे लाइट आएगा थोड़ा इधर, तब ना इधर जा करके ऐसे आएगा और हमें लगेगा कि यहाँ पीछे से आ रहा है। हाँ सर, ऐसा लगेगा कि पीछे से आ रहा है, एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। समझ में आया क्या? हाँ सर, एग्जैक्ट वहां पे नहीं बनेगा इसको मैं, हाँ एग्जैक्ट वहां पे नहीं बनेगा, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अच्छा कितना बनेगा ये निकाल सकते हैं क्या? कितना बनेगा फ्रिंजेस? नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने बनेंगे ये निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। जैसे बी हाँ और सी का लेंथ दिया होगा, मान लो एल नॉट, और हमें पता है कि यहाँ पे दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस होता है बीटा, बहुत सारा बीटा होगा, मान लो एन बीटा बना, कितना फ्रिंजेस बना? एन, एन फ्रिंजेस बना, तो दो के बीच के डिस्टेंस को ही तो बीटा बोलते हैं, नहीं? हाँ सर। तो मान लो अगर एन फ्रिंजेस बने तो एन बीटा हो जाएगी, तो एन बीटा ही एल नॉट हो जाएगी, नहीं एन बीटा क्या हो जाएगी? एल नॉट हो जाएगी। तो बीटा का वैल्यू तो पता ही रहता है, तो एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, एल नॉट बाई बीटा। कितना बना है अगर निकालना हो तो लेंथ को क्या करेंगे? बीटा से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन आ जाएगी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन ये आ जाएगी। यहां तक आ गया समझ में? हाँ सर। एक और अरेंजमेंट मैं ले रहा हूं, एक और अरेंजमेंट मैं ले रहा हूं, YDSC सेटअप टाइप में ही है, वो बनाते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। ये एक प्रिज्म हमने लिया और मान लो यहाँ कहीं एक स्क्रीन लगा दिया, एक स्क्रीन लगा दिया इधर, स्क्रीन लगा दिया, और यहाँ पे मान लो हमारे पास एक सोर्स है, लाइट सोर्स। तो देखो क्या होगी, ये बहुत इसका जो एंगल होता है ना, एंगल ऑफ द प्रिज्म काफी कम लेते हैं, तो यहाँ से जो जाने वाली लाइट है ना थोड़ी सी डेविएट होकर के लगभग पैरेलल चली जाती है ना, तो हमें लगता है कि लाइट यहाँ से आ रही है, लाइट यहाँ से आ रही है। तो यहाँ से हमें लगता है दो सोर्स मिल गया हमारा, S1 और S2, और S1 S2 के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल d बोलते हैं। और S1 S2 से जो डिस्टेंस होता है स्क्रीन का उसको हम लोग कैपिटल डी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि सोर्स प्रिज्म से कितना दूर है और प्रिज्म से स्क्रीन कितना दूर है, ये गिवन रहता है। तो कैपिटल डी की वैल्यू तो आराम से लिख सकते हो, ए प्लस बी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? और क्या लिख सकते हो? स्मॉल डी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बता सकते हो क्या? तो देखो डेविएशन का ना फॉर्मूला परे होगे, प्रिज्म में डेविएशन का फॉर्मूला होता है μ-1 × a, परे हो गया? हाँ सर। तो ये वाला एंगल अगर डेल है तो ये भी एंगल डेल होगा, ये वाला डिस्टेंस ए है, तो एक ट्रायंगल बन गया क्या? देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है जिसमें
ये वाला डिस्टेंस है ए, ये वाली डिस्टेंस है डी, और ये वाला एंगल है डेल्टा। रिलेशन बना सकते हैं कि नहीं? डेल्टा बहुत कम है तो टेन डेल्टा को हम लोग लिख सकते हैं डी बाई ए, लिख सकते हैं क्या? डेल्टा हाँ बहुत सर। कम है तो टेन डेल्टा को, डेल्टा बहुत कम है इसलिए टेन डेल्टा को हम लोग डेल्टा केवल लिखेंगे डी बाई ए। तो डी की वैल्यू निकल आएगी, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी की वैल्यू हो जाएगी ए डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू तो अभी अभी लिखा था म्यू माइनस वन इंटू ए, तो डी भी निकल आई कि नहीं? डी भी निकल आई क्या? तो इस तरीके से स्मॉल डी का वैल्यू भी निकल आता है, स्मॉल डी का वैल्यू हो गया ए म्यू माइनस वन इंटू ए, कैपिटल डी का वैल्यू हो गया बी प्लस सी। देख लो कैपिटल डी का वैल्यू क्या हो गया, अच्छा ए प्लस बी हो गया, कैपिटल डी का वैल्यू क्या हो गया ए प्लस बी। तो क्या आप बीटा बता सकते हो? बीटा कितना होगा? बीटा का फॉर्मूला होता है लेमडा डी बाई डी, तो लेमडा डी की वैल्यू ए प्लस बी हो गई और डी का वैल्यू हो गया ए म्यू माइनस वन इंटू ए, तो बीटा निकल गया। और जब बीटा निकल गया और स्क्रीन पे कोई एक लेंथ दिया रहे तो बता सकते हो कितना मैक्सिमा बनेगा, नंबर ऑफ मैक्सिमा अगर पूछे, नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन लेंथ एल नॉट, तो क्या करोगे? एल नॉट को बीटा से डिवाइड कर दोगे, तो उस लेंथ में कितना मैक्सिमा या कितना मिनिमा बनेगा निकल आएगा, या कितना फ्रिंजेस बनेगा ये निकल आएगा। आ गया हाँ समझ में यहाँ पे? हाँ सर। हाँ सर। चलो एक और अरेंजमेंट है जिसको बोलते हैं फ्रेजनेल्स बाय प्रिज्म। फ्रेजनेल्स बाय प्रिज्म क्या होती है? अभी हमने एक प्रिज्म लिया था ना, इसमें दो प्रिज्म का यूज करा जाता है, अरेंजमेंट सेम ही होता है। एक प्रिज्म ऐसे लगा दिया, दूसरा प्रिज्म इसका उल्टा लगा दिया, इसी को बोलते हैं फ्रेजनेल बाय प्रिज्म अरेंजमेंट। यहाँ पे क्या होगा, किसी ए डिस्टेंस पे एक सोर्स होगा लाइट का, और यहां से बी डिस्टेंस पे हमारा एक स्क्रीन होगा, स्क्रीन सेम टाइप का है। अब देखो क्या होगी, अगर लाइट ऐसे जाएगा तो थोड़ा डेविएट होगा और हमें लगेगा ना कि एक सोर्स यहाँ प्रेजेंट है एस वन, फिर वैसे ही नीचे भी होगा, नीचे भी अगर लाइट आएगी तो यहाँ इधर जाएगा लाइट और हमें लगेगा कि एक सोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है एस वन और एस टू, दो सोर्स हो गई। अभी अभी तो ये वाला डिस्टेंस निकाला था, याद है कि नहीं? हाँ सर। इसी डिस्टेंस का वैल्यू आया था ए म्यू माइनस वन इंटू ए, तो इसका भी डिस्टेंस हो जाएगा ए म्यू माइनस वन इंटू ए, और इसी दो सोर्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल डी बोलते हैं। तो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो गई? स्मॉल डी की वैल्यू हो गई टू ए म्यू माइनस वन इंटू ए, और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी हो गई? ए प्लस बी। तो बीटा की वैल्यू पूछे आपसे क्वेश्चन में तो बता सकते हो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, तो कैपिटल डी की वैल्यू ए प्लस बी हो गई और स्मॉल डी की वैल्यू टू ए म्यू माइनस वन इंटू ए। तो इस तरीके से वाई डी एस सी का बहुत सारा वेरिएशंस रहता है। जनरली आपसे ना ये पूछा जाता है बीटा, बीटा बीटा की वैल्यू, यहां तक आ गया समझ में? वाई डी एस सी इन अ मीडियम की बात कर रहा हूं,
किसी मीडियम में वाई डी एस सी क्या होगी? जैसे हमें पता है अगर कोई मीडियम ना हो, एयर या नो मीडियम के लिए तो हमें पता है, क्या पता है कि जो पाथ का डिफरेंस होता है वो डी साइन थीटा होती है, और इसीलिए जो बीटा आती है वो होती है लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इसके दो पे क्वेश्चन हमारा होता है, ये हमें पता होगा तो मैक्सिमा मिनिमा बता सकते हैं, कितने डिस्टेंस पे मैक्सिमा मिनिमा बनेगा यहाँ से बता सकते हैं। लेकिन मान लो अब इसी सेटअप को क्या किए, पानी में डाल दिए, मीडियम में प्लेस कर दिए, तो क्या बदलेगा बताओ? पाथ डिफरेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये बताओ। नहीं सर, नहीं बदलेगा। क्यों बदलेगा पाथ का डिफरेंस? पाथ का डिफरेंस अभी भी डी साइन थीटा ही रहेगी। हाँ सर। और बीटा का वैल्यू बताओ, बीटा बदलेगा कि नहीं? हाँ सर, बीटा बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो मान लो ना दो मीडियम है, एक मीडियम इधर है वन और दूसरा मीडियम है टू। मान लो ये म्यू टू है और ये म्यू वन है, म्यू टू का वैल्यू म्यू वन से ज्यादा है, यानी ये वाला मीडियम है डेंसर और ये वाला मीडियम है रेयरर, रेयरर मीडियम है। तो देखो रेयरर मीडियम में ना स्पीड ज्यादा होती है लाइट की और वेवलेंथ भी ज्यादा होती है, तो कोई भी लाइट अगर आएगा ना रेयरर मीडियम में एकदम आराम से ऐसे करते आएगा, लेकिन जैसे ही डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, वो ऐसे चलने लगेगा। समझ में आया वेरिएशन क्या है? हाँ सर। रेयरर में चलेगा ऐसे, सेम ही वेव है, कोई वेव में अंतर नहीं है, एक ही वेव रेयरर में ऐसे चल रहा था और डेंसर में ऐसे, क्या बदला बताओ? वेवलेंथ बदला, डेंसर में वेवलेंथ